Yeah. 97 years old हो चुकी हैं और आज आपकी autobiography यहाँ पे launch हो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? What would you like to say about this autobiography? You're after all, you're over 90, and she's in the Guinness Book of Records है, उनके, हाँ? आप देख लेंगे, ये book में अजीब अजीब चीज करती है वो. Ma'am, tell you. Ma'am, tell you please. Yeah. How do you feel about this book launch? Say. I think it's wonderful that anyone would be interested in my life. Yes. Really. Actually, I wanted it, when asked to if I would do my life story, I said only on one condition, that everything in it is the truth. And that was so, whatever we did, we filmed all the photographs of everything, of as much as I had around the way, from the time I was born. You were going to continue yoga classes. Yes. Tell something yoga classes. I have been teaching yoga for 56 years, and I've been doing yoga since I saw some little boys on the sands in Pondicherry doing what I thought was a new game. And I said to my aunt, there's a new game, and they let me do it. She said, no, it's not a game, it's yoga, and it's not ladylike. I said, well, if boys can do it, I can do it. This is the last question for you. You are at least 97 years old. Yes. Where you are getting energy for your dancing? From dancing and feeling the wonder of the breath of life, to feel the life force inside of you and recognize that there is no such thing really of age. There's only using the energy within the body, and don't procrastinate. Whatever you want to do, do it today, because tomorrow never comes. 1 minute after midnight, it's already today. It's too late. So whatever I want to do in my life, I do it now. Thank you, ma'am. Thank you. I had the first time when she was 91 years old. मैंने को डांस वाला देखा तो मुझे बहुत अचंबा हुआ कि इस तरह से कैसे कोई डांस कर सकता है. इतने हाई हील्स पहन करके डांस करना आसान बात नहीं है. और उसके बाद से मैं डांस करता आ रहा हूँ. ये मेरा चौथा मौका है उनसे डांस करने का, और मुझे बहुत प्रिविलेज फील होता है कि मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ. क्योंकि मैं जब सीखता हूँ उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है जब रिहर्सल करते हैं हम लोग. अभी कल ही की बात, हम रिहर्सल कर रहे थे और मैंने इनसे कुछ हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं. मुझे कहा कि ये वाला मूवमेंट अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं स्ट्रेच नहीं कर पा रही हूँ. मैंने कहा ओके, आप कैसे स्ट्रेच करना चाहेंगी? और उन्होंने जो स्ट्रेच किया है एक पैर ऊपर लेकर के, मैं भी नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली. सो आई थिंक ये सब आई वुड से योगा का कमाल है. योगा उन्होंने इतने सालों से करती आ रही हैं और अभी भी करती हैं योगा, और उसके बाद में डांस करती हैं. आई थिंक इट इज़ जस्ट आई वुड से इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स कि सब एक साथ मिलकर जब आता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू ताओ. बिल्कुल, हम लोग चाचा चाचा डांस करेंगे आप सबके लिए, और इनकी बुक भी हम लॉन्च करेंगे. मिस्टर पदमसी यहाँ पे आए हुए हैं बुक लॉन्च करने के लिए, एंड आई थिंक इस बुक में सारा उनकी ज़िंदगी बारे बताया गया है. महात्मा गांधी से उन्होंने वॉक किया है, मार्च किया है, और मरिन मोनरो के साथ में दोस्त रही हैं, डांस किया है उन्होंने, और इतनी वंडरफुल लाइफ रही है. आई थिंक हम सब जानना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, हिंदुस्तान से शुरुआत की है उन्होंने. और बहुत अच्छी चीज़ मुझे कही उन्होंने कि इस देश ने मुझे जो दिया है वो आज तक मैं अपने अंदर लेती आ रही हूँ. चाहे मैं अमेरिकन हूँ या मैं फ्रेंच हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं मेरा हिंदुस्तान का एक खून है मेरे अंदर, जो मैं हमेशा मुझे यहाँ तक लेके आता रहा है हमेशा. दैट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और अभी इस उम्र में वो इतना फ्लेक्सिबल है तो आप अजीब लगे हैं जब वो डांस करती है. 91 एंड शी स्टिल सो फ्लेक्सिबल. मैं कहता हूँ माई गॉड, आई विश ऑल ऑफ अस वर सो फ्लेक्सिबल. She's really a wonderful, wonderful person, and she started dancing much later in life. मगर अब तक उसके dancing चल रहा है. She has many show, बहुत से shows करते हैं अमेरिका में, और वो अजीब मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिला है. इस उम्र में इतना energy है. Thank you. बिल्कुल. मौका भी है, दस्तूर भी है, dancing light का launching भी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस ताओ जो आई हुई है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एट द एज ऑफ 97 इयर्स, जो कि हम बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं या उम्र हो गई है, बट वो अभी भी इतनी जवान है. उनसे मैं बात कर रही थी अभी एक घंटे से, और उनको देखकर ये लगता है कि वो
हमारे अंदर, हमारी यूथ के अंदर इतना इतना स्पिरिट भर सकती हैं और इतना अच्छा डांस करती हैं, वो भी 4 इंच हाई हील्स पहनकर, इट्स नॉट ईजी। और अभी वो कह रही थी कि वो अभी ट्रैकिंग भी करती हैं हील्स पहनकर, हम जब कैट्स पहन के जाते हैं वो तो हील्स पहन कर ट्रैकिंग पर जाती हैं, तो ट्रूली शी इज़ एन इंस्पिरेशन। ऑटोबायोग्राफी है उनका और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ वो पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक को वो पढ़ना चाहिए। उनका जो लाइफ जर्नी है, जब से उन्होंने शुरू किया था और अब तक, हर वक्त उनका यही रहा है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं और बस करते रहूं। जैसे कि आज कुछ प्रोग्राम होने लगा, डांस शो होने लगा, तो कुछ आपके लिए स्टेप देखने मिलेंगे डांस शो? मैं होस्ट कर रही हूं इवेंट को। और नया साल है क्या, न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या, उसके बारे में कुछ कहना? अभी तो मैं उनको देखकर इंस्पायर्ड हूं, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी कहीं ना कहीं उनका 1% भी हूं तो बहुत है। जानकारी है कि डांसिंग लाइट का जो आटो परफॉर्मेंस लॉन्च किया है, इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया उनका, उनका लाइफ का पूरा कहानी है, तो आइडिया कहाँ से आएगा? उन्हीं की, उन्हीं की स्टोरी फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, तो फिर उन्हीं की कहानी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, 97 की हैं ताओ, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। और बहुत सारे, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल शी लुक्स लाइक, एंड मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनके डांस को देखने के लिए। ये कई बार हिंदुस्तान आ चुकी हैं और हमारे जैसे लोग, यंग लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि इस एज में भी वो उतना थिरकती हैं। 97 ईयर्स की बात करें, आजकल की महिलाएं इतना ईयर मतलब जी भी नहीं पाती, लेकिन 98 ईयर्स में इतनी एनर्जी के साथ। डेफिनेटली लॉट ऑफ योगा, बिकॉज आई थिंक योगा के रिजल्ट थोड़े लेट होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ताउस मेरे स्टोर पे अचानक से आ गई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योगा। तो आई थिंक सो, जो हमारी भारतीय संस्कृति का योगा जो पुराना प्रथा है हमारी, वो जो चली आ रही है, तो आई थिंक सो लॉट ऑफ तिरंग्स आर ऑल्सो कॉपिंग इट और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे, तो ये सब योगा का कमाल है। नया साल में मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता चलेगा, और बहुत ही जल्दी आप मेरे को बहुत ही बड़े पैगाम में देखेंगे, एक बड़े पर्दे में भी देखेंगे आप मेरे को, तो आई थिंक सो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई न्यू कलेक्शन है जी? अभी मैं नया नेक्स्ट फैशन शो कर रहा हूँ जिसमें आपको निमंत्रण दिया जाएगा, तो आप मेरा नेक्स्ट कलेक्शन देखेंगे। थैंक यू। मैम, डांसिंग लाइट का जो आप लोगों ने मैचिंग किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा डांसर्स हैं, संदीप एंड ताओ। ताओ को मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से डांस करते देख रही हूँ हमेशा संदीप के इवेंट पे, और वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि हम लोग इवन आधे तक वहाँ तक पहुँच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सो आई थिंक यहाँ होना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इट्स सो इंस्पायरिंग। ताओ खुद इतनी इंस्पिरेशनल है कि ये उनकी बुक पढ़ के, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट इवन मोर मोटिवेटेड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। 97 ईयर्स की, आई थिंक ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो उभर के निखर आता है। आई थिंक उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा भी अगर हम सीख सके उनसे तो बहुत ही अच्छा होगा। आई थिंक विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ में जो उनका जो ब्यूटी है लाइफ की, वो अलग तरीके से देखती है हर चीज़ में। अभी भी आप मुड़ के देखें तो वो हंस रही है। एट 97 टू बी सो एनर्जेटिक फुल ऑफ लाइफ, हैट्स ऑफ टू ताओ। वो आज योगा करती है। अभी अभी संदीप ने बताया कि वो सिर्फ ऑरेंज जूस पीती है, उन्होंने सालों से पानी भी नहीं पिया है। आई थिंक इट्स सो इंस्पायरिंग, छोटी छोटी बातें जो उनको मिलके सीखने मिलती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। Please welcome Ajinkya Sonahane.
world famous painter said. He said, it took me 60 years to see life with the eyes of a child. And today we have here someone who's 97 years old and has seen life with the eyes of a child since the age of 5. A big round of applause for Tao! What we need to do is to make it.